हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एपीके इलेक्ट्रिकल में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आईटीआई फर्स्ट ईयर सभी ट्रेड के लिए निम्मी मॉक टेस्ट ऐप के वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट। दोस्तों, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। मध्यम कार्बन स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना है? राइट आंसर सी, 0.25 से 0.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कार्बन स्टील में कार्बन कितना प्रतिशत होता है? राइट आंसर बी, 0.15 से 0.25%। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च कार्बन स्टील में कार्बन कितना प्रतिशत होता है? राइट आंसर डी, 0.50 से 1.50%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है? राइट आंसर सी, ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु का वह गुण जिससे धातु को बिना टूटे तार के रूप में खींचा जा सकता है? राइट आंसर ए, तन्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक कुचालक है? राइट आंसर डी, माइका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत केबल और नियंत्रण तारों के लिए इंसुलेटर के रूप में किस रबर का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर सी, सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थायी चुंबक बनाने के लिए किस मिश्र धातु इस्पात का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर डी, कोबाल्ट इस्पात। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस कुचालक का उपयोग ओवरहेड लाइनों में किया जाता है? राइट आंसर डी, पोर्सिलेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विच बनाने के लिए किस कुचालक सामग्री का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर सी, वैकेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोधक का वह गुण क्या है जो उच्च वोल्टेज के आने पर टूट जाना चाहिए या पंचर होना चाहिए? राइट आंसर ए, परावैद्युत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मिश्र इस्पात का उपयोग कीमती उपकरण बनाने के लिए किया जाता है? राइट आंसर सी, इनवार इस्पात। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेती और कोल्ड छेनी बनाने के लिए किस स्टील का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर सी, उच्च कार्बन स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है? राइट आंसर सी, द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा बल है जिसके कारण कोई भी वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होती है? राइट आंसर बी, भार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? राइट आंसर सी, घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थों के घनत्व तथा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी के घनत्व का अनुपात क्या कहलाता है? राइट आंसर बी, विशिष्ट गुरुत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम का घनत्व कितना होता है? राइट आंसर ए, 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी पिंड का घनत्व 7.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है और इसका आयतन 25 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका द्रव्यमान कितना होगा? राइट आंसर ए, 190 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ठोस का घनत्व 19.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, तो ठोस का विशिष्ट गुरुत्व कितना होगा? राइट आंसर डी, 19.5। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक लोहे के घन का घनत्व ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा यदि इसका भार 4.8 किलोग्राम और आयतन 640 सेंटीमीटर क्यूब है? राइट आंसर डी, 7.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पारे का द्रव्यमान 1 किलोग्राम है और घनत्व 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है तो पारे का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा? राइट आंसर ए, 73.53 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु पर 15 सेंटीमीटर का बल लगाने से वस्तु 2.5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण से गति करती है तो वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? राइट आंसर डी, 6 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु का विशिष्ट गुरुत्व क्या होगा यदि धातु का टुकड़े का भार हवा में 150 ग्राम और पानी में 125 ग्राम है? राइट आंसर ए, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पारे का द्रव्यमान 136 ग्राम है और पारे का घनत्व 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है तो पारे का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में क्या होगा? राइट आंसर डी, 10 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए ब्लॉक का भार किलोग्राम में क्या होगा यदि इसका आयतन 320 सेंटीमीटर क्यूब और घनत्व 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है? राइट आंसर बी, 2.848 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि धातु का भार 6.5 किलोग्राम हवा में तथा 3.5 किलोग्राम पानी में है तो धातु का विशिष्ट गुरुत्व क्या होगा? राइट आंसर सी, 2.166। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार का भार बल 800 किलोग्राम का द्रव्यमान होता है। राइट आंसर ए, 7848 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति का सूत्र क्या है? राइट आंसर ए, तय की गई दूरी बटे समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति की इकाई क्या है? राइट आंसर ए, मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेग का सूत्र क्या है? राइट आंसर बी, निश्चित दिशा में दूरी बटे समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेग की इकाई क्या है? राइट आंसर ए, मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस वस्तु में परिमाण या साइज होता है उसे क्या कहते हैं? राइट आंसर डी, अदिश राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वस्तु में परिमाण और वेग दोनों हों तो उसे क्या कहा जाता है? राइट आंसर सी, सदिश राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु में विस्थापन के परिवर्तन की दर क्या है? राइट आंसर डी, वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु अपने परिवेश के संबंध में अपनी स्थिति को नहीं बदलता है तो उसे क्या कहा जाता है? राइट आंसर बी, वस्तु का विश्राम में होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु अपने परिवेश के संबंध में अपनी स्थिति को बदलता है तो उसे क्या कहा जाता है? राइट आंसर बी, वस्तु का गति में होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस वस्तु का वेग क्या होता है जो 21 सेकंड में एक रेखा में 168 मीटर की दूरी तय करता है? राइट आंसर बी, 8 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 80 मीटर लंबी ट्रेन की गति क्या होगी जो 20 सेकंड में 120 लंबे प्लेटफॉर्म से गुजरती है? राइट आंसर डी, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वरण के लिए सूत्र क्या है? राइट आंसर बी,
नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के त्वरण की इकाई क्या है? राइट आंसर बी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार का त्वरण क्या होता है? यदि कार की गति एक मिनट में 25 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 40 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है? राइट आंसर सी 0.069 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चलने वाली कार को 45 सेकंड में विश्राम में लाया जाता है तो उसका मंदन क्या है? राइट आंसर बी 0.30 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंडिंग फील्ड से उड़ान भरने वाले हवाई जहाज का त्वरण क्या होता है? यदि वो टेक ऑफ के लिए 700 मीटर की दूरी 10 सेकंड में तय करने पर जमीन छोड़ देता है? राइट आंसर डी 14 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पत्थर की अधिकतम ऊंचाई यदि उसे 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाए? राइट आंसर बी 20 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इकाई समय में किया गया कार्य क्या होता है? राइट आंसर बी शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? राइट आंसर ए ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति आउटपुट और शक्ति इनपुट का अनुपात क्या होता है? राइट आंसर सी दक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य करता है और उसे एक मीटर की दूरी तक चलाती है तो उसे क्या कहते हैं? राइट आंसर ए एक जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जूल के कितने अर्ग होते हैं? राइट आंसर सी 107 अर्ग। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करें, और ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।